हुआ सुमन, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अक्सर क्या हो जाता है तुमको? क्यों ऐसे अनजाने से हो जाते हो तुम? इसे क्या प्यार कहते हैं? तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी रुचि ने क्या तुम्हें अपने अपनी पत्नी को अपमान करना सिखाया है? क्यों हमारे इस सुखी संसार को तुम ऐसे छुटला दे रहे हो? बोलो ना, मैं और सहन नहीं कर पा रही हूं, नहीं कर पा रही हूं, और नहीं कर पा रही हूं। दरअसल सुमन के साथ मेरा जो रिश्ता है अजीब सा है, प्यार भी नहीं है और नफरत भी नहीं है। अच्छा, अब वो तेरी जिम्मेदारी ठीक से तो निभाता है ना? इसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। हर ओकेशन में नई नई ड्रेस खरीदना, यहाँ वहाँ खाना पीना, वो सब ठीक है। महंगी साड़ी, गिफ्ट, ये सब लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अक्सर मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है, मैं जस्ट नहीं ले सकती हूँ। और ये तो वन काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन होता है ना। मुझे तो लगता है सुमन को काउंसलिंग की जरूरत है। मुझे लगता है मेरे जीवन में अगर कोई ऐसा आता जो मुझे केयर करता, मुझे प्यार करता, मेरे हिसाब से, मुझे मेरे हिसाब से समझता। दरअसल शौक मिटाने को प्यार नहीं कहते हैं। प्यार मतलब कमिटमेंट, प्यार मतलब दो आत्माओं का बॉन्डिंग है ना।
सलून मैम, आपके साथ एक जरूरी काम से मिलने के लिए आए हैं। ऑफिशियल नहीं, पर्सनल। मुझे समझ में नहीं आया, मेरे साथ आपका पर्सनल क्या जरूरत हो सकता है? मैं आपको पहचानती नहीं हूँ और इससे पहले मैंने आपको कभी भी नहीं देखा है। आपके बारे में जितना सुना है, आपकी याददाश्त बहुत तेज है। एक बार जिस चीज को आप देखती हैं, आप भूलती नहीं हैं। हाँ, मगर मैं आपको नहीं पहचान पा रही हूँ। ओके, लेट मी रिमाइंड यू, 2017, 14th अप्रैल, होटल मून, एक पार्टी थी। आपके साथ मेरी उस दिन पहली मुलाकात हुई थी। आप पहनी हुई थी लाल रंग की शिफॉन साड़ी, गले में प्लैटिनम, कान में डायमंड रिंग, am I right? वो पार्टी आपको याद है? हाँ, पार्टी तो मुझे याद थे, लेकिन मैं आपको ठीक पहचान नहीं पा रही हूँ। मतलब आपने मुझे इतना ज्यादा नोटिस किया है? अच्छा, सब बातें यहाँ बाहर खड़े होके बोलना है? मतलब क्या मैं अंदर? ओ सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आइए आइए, अंदर आइए। बैठिए। थैंक यू। दीप रॉय। पिछले एक साल से मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं। आप कब अकेली रहती हैं? आपके हस्बैंड कब घर पे नहीं रहते हैं? आप क्या पसंद करती हैं, क्या पसंद नहीं करती हैं, सब पता है मुझे, सब कुछ। आप फिनेंशियली बहुत रिच हैं, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ बहुत बहुत पुअर। मैं आपकी आंखों में देखकर अंदर के घाव को समझ सकता हूं। आप खुश नहीं हैं। आप तो प्रेमिक इंसान की तरह बात कर रहे हैं। आप मुझे एक साल से फॉलो कर रहे हैं, सही है ना? फॉलो? जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिसकी आंखों में आंखें डालना चाहता हूँ, जिसको अपना बना के पास लाना चाहता हूँ, उसके लिए बस इतनी सी बातें इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है मैं आपका क्या बिगाड़ सकती हूँ? मुझे पता है ना, आप क्या क्या कर सकती हैं। आप सिक्योरिटी बुला के मुझे बाहर कर सकती हैं, चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कर सकती हैं, और मोलेस्टेशन के झुंड में मुझे जेल भी भिजवा सकती हैं, है कि नहीं? लेकिन आप इसमें से कुछ भी नहीं करेंगी, क्योंकि आप बहुत डरपोक हैं नेहा। एक बीबी का मर्यादा आपको आपके पति से नहीं मिला है। आप बहुत अकेली हैं नेहा। आज मैं आपका सारा अकेलापन खत्म कर देना चाहता हूं। देखिए, आप अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। देखो, लिमिट अगर क्रॉस नहीं करता तो तुम्हारे जैसे किसी को इतना पास थोड़ी पाता। नेहा, तुम्हारी जिंदगी से जो प्यार खो गया है, मैं वो वापस देना चाहता हूं। जिस दिन मैंने पहली बार तुमको देखा था, उस दिन से मैं भूल नहीं पाया। उस दिन से आज तक मैंने जितना भी कमाया है, मैं तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं। ये सब तुम्हारा है।
मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है और पैसों की जरूरत भी नहीं है। पैसे की लालच? मैं तो प्यार से मेरी नेहा को दे रहा हूं स्वावलंबी बनाने के लिए, ताकि मेरी नेहा खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तुम्हें भी औरों की तरह आजादी से जिंदगी जीने का हक है। हेलो, हाँ बोलो। एक आदमी घर पे जाने वाला था, वो आया क्या? हेलो, सुन रही हो? कौन आने वाला था? अरे मैं ऑफिस से बहुत सारे पैसे देकर भेजा था, कल सुबह बैंक में रखना है, यहाँ रख नहीं सकते, इसीलिए एक जन को देके भेजा। वो बाल थोड़ा स्टाइलिश है, दाढ़ी भी है। सुनो, वो पैसा संभाल के रखना, मैं घर आके बाकी बात बताता हूँ। जिस दिन मैंने पहली बार तुमको देखा था, उस दिन से मैं भूल नहीं पाया। उस दिन से आज तक मैंने जितना भी कमाया है, मैं तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं। मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है और पैसों की जरूरत भी नहीं है। पैसे की लालच? मैं तो प्यार से मेरी नेहा को दे रहा हूं स्वावलंबी बनाने के लिए, ताकि मेरी नेहा खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तुम्हें भी औरों की तरह आजादी से जिंदगी जीने का हक है।